हाथ पैर आर्मपिट जैसे शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल उगना काफी आम बात है, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर बाल नहीं उगते, जैसे तलवे, हथेली और जीभ। लेकिन तब क्या हो जब किसी के जीभ पर बाल निकल आए। दरअसल ऐसा चौंकाने वाला मामला अमेरिका से सामने आया है। अमेरिका में एक इंसान की जीभ अचानक काली पड़ने लगी और उस पर काले बाल उगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस 50 साल के शख्स ने खुद अपनी इस बीमारी के बारे में बताया है। दरअसल एक गलती की वजह से इस आदमी को इस समस्या का सामना करना पड़ा है। इस कंडीशन को देखकर सभी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक 50 साल के इस शख्स को स्मोकिंग करने की आदत थी। स्मोकिंग के दौरान ये आदमी एंटीबायोटिक भी लेता था। उसने एक दिन अपनी जीभ को ध्यान से देखा तो चौंक गया और तुरंत डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर्स ने जब जांच की तब हेयर टंग नाम की एक कंडीशन का पता चला। इस कंडीशन में जीभ की सतह पर स्किन सेल्स की अबनॉर्मल कोटिंग हो जाती है। जब डॉक्टर्स ने बालों वाली हरी जीभ देखी तो उन्होंने शख्स को सलाह दी कि तुरंत स्मोकिंग छोड़ दे। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इस समस्या का समय पर और जल्द समाधान नहीं किया जाता तो ये बैक्टीरिया या खाए जाने वाले खाने को फंसा सकते हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एंटीबायोटिक से होने वाले रिएक्शन की वजह से जीभ का रंग बदल सकता है। जीभ हरी, सफेद, भूरी, गुलाबी किसी भी कलर में बदल सकती है। शख्स की जीभ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं। फोटो में देखा जा सकता है कि जीभ का रंग पूरी तरह से हरा हो गया है और इस पर बाल भी उगाए हैं। जीभ के बीचों बीच एक लंबी लाइन भी हो गई है। स्मोकिंग करने से कुछ लोगों की जीभ पर प्लाक और बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगते हैं। शख्स के मसूड़ों में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक लेता था। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल बैलेंस में रुकावट डालने का काम करते हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।